भाई बढ़िया। आप बहुत सुनाएं, दिन हो आप सुनाएं, आप गए, बहुत कैसे हैं? दिन हो गए। क्या मैं अच्छा हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हैं? बस मजे में। आप मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जी भाई, प्रतापगंज भाई का सलीम है वो। सलीम सलीम भाई, सलीम भाई है। वालेकुम सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है कैसे हो? भाई? बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाओ, काम है? कैसा चल रहा है ठीक भाई? है। हाँ रिपेयरिंग कर रहा। अच्छा, मैकेनिक, रिपेयरिंग क्या बात है जी। शॉप है उनकी, शॉप। जी जी भाई, दिख रहा है, इलेक्ट्रिक शॉप है। सही है। उधर उधर महंगाई कैसी है भाई? ये जो क्या ये इलेक्ट्रिक जो जो चीजें हैं, हाँ मशीनरी रिपेयरिंग करते हैं वो सलीम। जूसर मशीन हो गई, टेलीविजन हो गया, सब सब इस तरह की चीजें, ज्यादा महंगी तो नहीं? नहीं इधर तो सस्ती है, बहुत सस्ती है। यहाँ पे ये एलईडी कितने की मिलती है आपको? ये मेरी है, ये 55 इंच की है, 1.5 लाख की ली थी मैंने। इधर कितने की है मालूम है आपको? नहीं उधर नहीं। 10,000, 10,000 सिर्फ, सिर्फ 10,000। क्या बात है यार, वो भी कस्टमर का भाव। हमको तो कितने में पड़ती है? 989। यार इधर तो सर बहुत बहुत महंगाई हो गई है यार। नहीं आए तो 32 का एलईडी लो तो 10-11 हजार। नहीं ये बड़ी है, 55 इंच की है, 55 इंच की है। अच्छा 55 इंच की है ये। 55 की तो इधर 14-15 हजार। क्या बात है, ये इंडिया की लोकल कंपनी है, ये ब्रांड की है कुछ, सैमसंग वगैरह या नहीं? यूनिवर्सल इंडिया की है, इंडिया की, इंडिया की। तो ये अच्छी कंपनी है इंडिया? हाँ अच्छी है। क्या बात है, ये पड़ी 200 सब। आपकी तो मौज है भाई। क्या बात, ये रिपेयरिंग वाला। रिपेयरिंग में तो 200-300 में तो रिपेयरिंग कर देता है सलीम इधर। यहाँ पे जब मैं ये लेकर आया था ना, उस वक्त उन्होंने बोला था कि भाई अगर इसकी ना वो स्क्रीन अगर टूट गई तो 85% जो है वो खर्चा होगा आपका। मतलब 1.5 लाख की ली है तो भाई ये आपको कम से कम तकरीबन तकरीबन 1 लाख के ऊपर जो रिपेयर होगी ये। नहीं नहीं आपको चाहिए तो बोल देना, इधर से हम भेज देंगे, एड्रेस व्हाट्सएप कर देना। अरे सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैंने नंबर डाला हुआ है व्हाट्सएप, नंबर में ऐड कर लूंगा आपका। अभी दोबारा नंबर इंस्टाग्राम, हाँ तो मैं ऐड कर लूंगा फिर। ओके ओके, कोई भी आइटम चाहिए बोल देना, हम इधर से भेज देंगे। अरे बहुत शुक्रिया सर, प्यार है आपका, यही बड़ा है, आपने पूछ दिया, मेरे लिए यही काफी है। हमारा तो यहाँ सब प्यार ही प्यार है। अरे सर क्या बात है, ये सलीम की शॉप है, लेकिन हमको नहीं लगता सलीम की है, मेरी। असल में भाई मेरी पहले भी बात होती रहती है, ये ना सोशल मीडिया पे ज्यादा खराबी है, बाकी नॉर्मल लोगों में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं ये गांव है ना, गांव। अच्छा ये समी है, गांव गांव है वो।
60% तुम्हारी पब्लिक है। सही, 5,000 पब्लिक है इधर, 5,000। ये गांव तो फिर बहुत बड़ा है। हाँ बड़ा गांव है ये शमी। क्या बात है ये, 5,000 हमारे गांव। सलीम 3,000 सलीम बोलता है 24 मस्जिद है। कितनी मस्जिद है उधर? 24। अरे सर फिर तो बहुत ही बड़ा गांव है आपका। 24 यहाँ पे हमारे गांव में 2 मस्जिद हैं। 2 जो है? हाँ 2 मस्जिद हैं हमारे गांव में। अच्छा, हमारे यहाँ तो सलीम बोलता है कि 24 मस्जिद है और मंदिर 40-50 तो मंदिर हो गए। क्या बात है, फिर तो बहुत बढ़िया होता है कि मिलके जिस तरह लोग रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, ये मौलवी है ना, मौलवी शाला बिगाड़ता है हाँ भर भर के। ये भी चीज है, ये कट्टर लोग जो है ना ये खराबी करते हैं। नहीं हमारे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपेयरिंग कराने, मेरा गांव इधर से 15 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा, तो इतनी दूर मैं इधर रिपेयरिंग करवाने आते हैं तो ये है? इतनी दूर से रिपेयरिंग करवाने आते हैं? हाँ रिपेयरिंग करवाने इधर आते हैं ना सलीम के पास, एक रुपया भी लेता नहीं है हमारा। क्या बात है, दोस्त है आपका? हाँ मेरा दोस्त है, पहले मेरी शॉप उनके बाजू में मेरी शॉप थी। अच्छा 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 भाई, एक और भी बात पूछना चाहता हूँ कि आप क्या होता है कि वो जब हमने एक पाकिस्तान में देखा था कि जो पाकिस्तान के जो मुस्लिम है ना वो हिंदुओं के बर्तन उन्होंने पानी पीने के लिए अलग करके रखे हुए थे, ऐसा है? नहीं हमारे तो यहाँ देखो सबका एक। ये बढ़िया, इसमें से सलीम भी पीता है हम भी पीते हैं। क्या बात है भाई, मजा आ गया। हाँ यही तो हमारा तो इंसानों में भेदभाव इस तरह नहीं होना चाहिए कि उसकी जात पात या धर्म की वजह से नफरत हो। खाने कुछ है ही नहीं, बाकी जो जो चीजें होती है सियासी तौर पे जो डिफरेंस होते हैं वो तो चलो चलते रहे, लेकिन इंसानियत के नाते तो इस तरह एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। नहीं बुखार आता है, बुखार तो गोलियां क्यों अलग अलग नहीं मिलती? सही बात है, बिल्कुल सही बात, एक ही है सर। इस तरह की सोच हो जाए तो दुनिया भाई साहब जन्नत यहाँ पर ही बन जाए। पर ये क्या है, ये मौलवी है ना, जो अनपढ़ है ना उसको ज्यादा घुसाता है माइंड में। अनपढ़ लोग ही खराबियां करते हैं कि, लेकिन उनको चलाने वाले पीछे पढ़े लिखे होते हैं, ये भी चीज है। वो असल में अपनी सियासत चमका रहे होते हैं और मरता है बेचारा आम इंसान, मरता है बस आम इंसान। हमारे यहाँ तो आम इंसान को कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई भी कैसा भी कर ले कुछ नहीं इधर होता। आप ये बताओ कि इतनी रैलियां देखी हैं आपने, कभी किसी बड़े बिजनेसमैन का लड़का या किसी बड़े पॉलिटिशियन का लड़का या कोई देखा है बीच में ये रैलियों में जो नारेबाजी कर रहे होते हैं? नहीं नहीं कोई नहीं, आम लोग ही होते हैं भाई जो इनके हत्थे चल बस आप, बस क्या है उसमें 500-500 रुपये बांट देते हैं कि आज की मजदूरी ले लो और चलो रैली निकाल ले, बस 500 लेके चले जाते। ये हमारे पास भी ऐसा ही होता, तभी तो हालत ऐसी है। रैलियों में या वोट देने के लिए पैसे ले लिया, फिर वो सरकारें लूटती हैं और फिर हम ब्लेम करते हैं। नहीं हमारे तो यहाँ लूटपाट का तो कोई उला प्रश्न नहीं है, अब तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है इसलिए कोई भ्रष्टाचार करने 7 बार विचार करता है। नहीं करप्शन तो होती है सर, ऐसा तो नहीं कि करप्शन ना हो। ये आए दिन जो ब्रिजें गिर जाती है ये करप्शन की वजह से गिरती हैं और ऐसे ही गिर जाती हैं। नहीं इधर होगा 5%, पर जो पकड़ में आ गया तो गया। ये जो रोड बनते हैं, मैं अगले दिन भी रोड देख रहा था,
नए रोड बने हुए वो उस उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, तो ये इंजीनियर रोड तो है जो रोड कंस्ट्रक्शन वो मैं इधर हूँ। नहीं तो हमारा गांव का भी तो आपको रोड बताता कि कितना अच्छा रोड है। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया में रोड अच्छे नहीं है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे है, और सब सुविधा है, बिजली इजली सब सुविधा, 24 घंटे बिजली पानी, और क्या चाहिए हमको, यही तो चाहिए, 24 घंटे बिजली हो, पानी हो, सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी को मानसों की मौत पड़े ना, ये चीजें होती है, मेन चीजें सिक्योरिटी होती है। ये आजकल देख रहे हैं कि पाकिस्तान से या इंडिया से या और भी कंट्री से जाते हैं लोग, किस लिए जाते हैं, सिक्योरिटी के लिए या ज्यादा कमाई के लिए जाते हैं भाई, अपना मुल्क छोड़ के? इधर तो सब सेफ है, इधर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपको सलेम आवाज नहीं आता है, तो आवाज धीरे धीरे, ये आपको लगता है। इधर मैं भी बोल दूं ना कि यहाँ पर सब सेफ है, ये भत्थाखोरी वाले भाई साहब वो गन लेके ना वो बस फोन करते हैं, धमकी देते हैं, भी इतने पैसे दे दो बिजनेसमैनों को, तो वो देते हैं। ये आपको कितने का आता है? ये तकरीबन अच्छी क्वालिटी का तकरीबन 10-15 हजार का होगा। ये 700 रुपये में चाहिए? सिर्फ 700 रुपये? क्या बात है सर, आपको इतने इतना मतलब फर्क कैसे? ये देखो मैंने अभी ली, ये अच्छा लाइट है। हाँ अच्छा, ये कितने की है? 110। इंडिया, मैं तभी बोलूं कि ये उनके पास से लिए 110 में। 110 में सर इतने का तो, वो अगर इसमें ना वो बैटरी डलवानी हो तो वो इतने की नहीं आएगी यहाँ पे। तो आपको क्या भाव रेट है उधर? बहुत सस्ती, बहुत सस्ता है उधर, तो हर चीज ही सस्ती है, पंखा, एलसीडी, ये लाइट वगैरह। मैं तो हैरान हो गया भैया आज तो। अरे हमारा तो यहाँ गाड़ियों लेनी हो ना सेकंड में तो 1-1.5 लाख, 2 लाख में तो अच्छी अच्छी क्वालिटी की गाड़ी मिल जाती है। वो मैंने देखी है, वो मैंने गाड़ियों की देखी है वीडियोस, वो सेकंड हैंड गाड़ियां जो होती हैं वो तो बहुत 3-3, 1.5-1.5 लाख की BMW भी मिल रही थी। यहाँ पे तो कुछ तरह की BMW गुजर रही हो तो 10-10 फुट 12-12 फुट गाड़ियां दूर ही रहती है उससे। नहीं मैंने वो आपने बोले ना शिफ्ट और क्या नाम लिया आपने दूसरा, किस चीज का गाड़ी? गाड़ी का BMW। वो मैंने अहमदाबाद का कल स्टेटस जोया था, 3,80,000 2016 मॉडल। क्या बात है सर, आपके तो मौजे हैं भाई उधर। कल मैंने उसको व्हाट्सएप भी किया था, उसने मेरे को फोटा सब भेज दिया। अच्छा अच्छा, फिर तो भाई इंडिया में ये चीज है कि भाई अगर बंदे की थोड़ी भी सैलरी हो ना गुजारा चल जाता है, क्योंकि इधर एक चीज है कि एक तो राशन फ्री मिल जाता है, दूसरे नंबर बिजली सस्ती है, दो चीजें तो जरूरी है, बिजली और ये खाने पीने की, और ये सस्ती है। 5-6 रुपये यूनिट है हमारे यहाँ अभी, 58 रुपये चल रहा था यूनिट, अभी 14 रुपये कम बोले हैं, पता नहीं अब होगा या नहीं, 14 रुपये कम हो गए होंगे इस दफा बिल चलेगा। पिछले महीने में 51,000 बिल पे किया मैंने। अच्छा, नहीं नहीं हमारे तो 300-400 से ज्यादा आता है ना, तो राड बम उड़ा देते है, इतना क्यों आया, इतना क्यों आया, हद में 250-300, 250-300। मौज है यहाँ पे तो भाई। अगले दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, यहाँ पे हालात इतने खराब हो गए
कि एक 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 लेडी ने अपने घर की दो चार पाइया बेच के बिल पे किया है, ये भी हालत है हमारा। तो अब तो सोलर ज्यादा आ गया है, सोलर मैंने भी ला कर रखी है, बस लगवाई नहीं, अभी लगवाई नहीं, ला कर रख दी छह प्लेटें ला कर रखी है अभी। 78,000 सब्सिडी देती है गवर्नमेंट सोलर में। ये मेरी अभी तो सस्ती यहाँ पर हो गई है, मैंने 1.5 लाख की ली है 6 प्लेटें, और साथ में वो स्टैंड वगैरह भी है। अच्छा 1.5 लाख की, 22,000 की मिली एक प्लेट 580 वाट की। आप सिटी में हो के गांव में? गांव में, गांव में, गांव गांव जैसा माहौल अच्छा रहता ही नहीं है कहीं भी। गांव में तो बड़ी मौज है, यहाँ का सबसे अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है तो आसपास के लोग जो है आपकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। ये शहरों में तो लोग इतना एक दूसरे को जानते नहीं होते, वो कोई साथ वाला घर में लड़ाई हो रही हो ना तो कोई बंदा ये भी नहीं कहता कि इनकी सुलह करवा दो जाके। हमारे आसपास में अगर किसी की लड़ाई होती है तो भाई साहब 10 लोग, बल्कि जितना जिसको भी पता चलता है कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है तो पहुंच जाते हैं सुलह करवाने के लिए। नहीं, हमारे भी यहाँ ये ऐसा ही है, कोई किसी को परेशान नहीं करे, कोई भी वो आ जाए गांव वाले सब। यहाँ पर भी ऐसा ही है तकरीबन, लड़ाई किसी की हो अच्छा। जाए तो भाई सुलह करवाने के लिए कई लोग खड़े हो जाते हैं। चलो सलीम से बात करो, सलीम से, सलीम इधर आ बात कर। सलीम भाई आप तो पता नहीं क्यों डर रहे हैं। हेलो क्या बात है सलीम भाई, डरते हैं? ना ना डर, थोड़ा काम था इसलिए थोड़ा। अच्छा अच्छा काम था भाई। हाँ काम था ना इसलिए। ये चीजें देख के दिल खुश हो जाता है, ये देख रहे पाकिस्तान से बता रहे थे कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है कि बर्तन में खाते पीते हैं। यहाँ पर ना पाकिस्तान में एक इलाका है, वहां पर हुआ था कि एक यूट्यूबर लड़का है हिंदू कम्युनिटी से, हाँ बात सही है, दिखाया था कि हिंदुओं के खाने पीने के बर्तन उन्होंने अलग रखे होते हैं मुसलमानों की दुकानों पे। तो वो चीज देख के ना मुझे बड़ी कसम से शर्मिंदगी हुई, दुख हुआ। लेकिन मैं इंडिया में वो चीज देखने को नहीं मिली कि भाई कोई हिंदू इस तरह नफरत करता हो मुस्लिम के साथ खाने पीने में, उनके बर्तन अलहदा रखते। आपके तो सेम ही होते हैं ना, आपको तो कोई दिक्कत नहीं? ना इधर कोई नहीं, इधर सब पानी बस साथ में पी लेते हैं, खाना भी साथ में खा लेते हैं। अभी बंगाला पानी है, अभी कुछ भी ऐसा है नहीं माहौल में, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात है, लेकिन सोशल मीडिया पे तो बड़ी बड़ा कुछ दिखाते हैं, वो एक आधा वो उड़ा देते उस खबर को, है ना। इतने अमुक अमुक गांव में ऐसा होता है, रहता है, पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे तो यहाँ इधर अमुक अमुक गांव बहुत अच्छा है, अभी सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं सब। अच्छा कितनी पॉपुलेशन है तकरीबन गांव में आपके हिंदू मुस्लिम के? हमारे यहाँ 22,000 होगी शायद। 22,000? हाँ 22,000 पब्लिक होगी, इधर तालुका है ना बड़ा। अच्छा अच्छा फिर तो तालुका इधर अपने, तभी तभी भाई बता रहे थे मस्जिद है, 26 मस्जिद है। मैं कह रहा है हमारे गांव में 2 मस्जिद है सिर्फ तो। नहीं नहीं बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी तरह से है सब, कोई भेदभाव इधर है नहीं, कोई डर बर कोई नहीं है। चलो शुक्र है भाई। मैं तो हमेशा ना भाइयों को अक्सर बोलता हूँ वीडियो में अपनी, मैं यूट्यूब चैनल है तो वीडियो में यही बोलता हूँ कि भाई हिंदुस्तान की ताकत एकता में है, इकट्ठे होकर रहेगा तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अगर आपस में भिड़ गए तो भाई साहब नुकसान होगा कंट्री का। वो तो अमुक साले फेक वीडियो फेंकते हैं इसलिए कोई कोई अमुक गांव में ऐसा थोड़ा घना होता रहता है, सब अपने वाले भी थोड़ा ऐसा होता है, ऐसा होता है सब, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता। हाँ सब जगह तो नहीं, वो वीडियो एक एक आधा कांड हो जाता है तो फिर वीडियो वाले उछाल देते उसको, ये चीज़ हाँ उसको बारंबार दिखा दिखा करते। हाँ ये भी है, एक दूसरे में असल में सियासतदान भी कुछ कोशिश करते हैं नफरत फैलाने में कि ये हाँ, इसलिए वोट बैंक के लिए बस सही है, ये सियासतदान में बांट के रखा हुआ बस। एक बार इंडिया इंडिया घूमना हो, इंडिया घूमने इधर आओ एक बार।
भाई जरूर जब मौका मिले, अब जो हालात चल रहे हैं मुझे तो लगता नहीं कि भाई वीजा भी मिलेगा अभी। जन्नत है जन्नत है, हम घुमाएंगे हमारे क्या बात हमारे यार जितना प्यार है ना कसम से जन्नत से कम नहीं होगा, मुझे पता है, मुझे यकीन है। और मेरी ये सलीम भाई से नहीं, मेरी पहले भी मुसलमानों से उधर बात होती रही सलीम भाई। हाँ मैंने किसी से नहीं सुना कि भाई हिंदुस्तान में व्यक्ति हो रही है इस तरह के वर्ड। थोड़ा बहुत होता रहता ना, ना, है मुसलमानों के आपस में नहीं झगड़े होते रहते। हाँ बात सही है, तो बात तारिक भाई उल्टा वो हमको डराते हैं, वो डराते हैं हमको। वही ना, यहाँ पे देख लो मुसलमानों के मुसलमानों से झगड़े हो रहे हैं, हिंदू हिंदुओं के भी हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम का जब होता है तो वो बात ज्यादा उछाल दी जाती है। हाँ बात साथी है, अब कोई दिमाग कोई फिरा हुआ तो नहीं समझ सकता कोई बात। यही है बस भाई, मैं यही बोलूंगा कि भाई अपने कंट्री से प्यार करो और आपस में भाई मिलजुल के रहो। हाँ मिलजुल के रहिए, हाँ तभी तभी तरक्की होगी। बहुत अच्छा लगा सलीम भाई आपसे बात करके, और आपकी नेचर माशाल्लाह बहुत प्यारी है या, ना ना बहुत, और आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है भाई। कितनी ले हो? ये साढ़े सात हाइट भी अच्छी है सलीम भाई की, वैसे भी तगड़े हैं, तगड़े हैं, तगड़े हैं ना, साढ़े उधर का अच्छा है भाई। भाई बहुत अच्छे हैं वो, नहीं इधर तो, इधर तो तारिक भाई सब अच्छे हंसी मजाक करते हैं, सब कोई दिक्कत ही नहीं है, सब साथ में बैठ के खाते हैं। अभी तो मेरे चाय पीने की बाकी है उनकी, चाय का ऑर्डर कर। बहुत अच्छा लगा, चाय पी चले जाएंगे हमारे गांव भाई। हमारी दुआ है, मेरी दुआ है दिल से कि भाई आप भाइयों का इसी तरह ना प्यार बना रहे। मैं व्हाट्सएप में मेरा नंबर डालता हूँ, इसमें आप भी डाल देना, मैं अच्छा अच्छा वीडियो आपको भेजूंगा, आपको काम आएगा। जी जरूर जरूर, चलें ठीक है, काफी वीडियो लंबी हो गई है तो इसको मैं लगाऊंगा अपने चैनल पे लगा दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ लगा देना, लगा कोई भी बात करनी हो तो बोल देना, कुछ भी दिखाने का हो तो हम दिखा देंगे इधर से। ठीक है भाई ठीक है, मैं ना वो आपकी चैनल में वो बेहतर है, वो ज्यादा खिंचाई करता है, उनसे एक बार बात कराओ, यकूब से। हाँ यकूब भाई एक और चीज है, मैं ना ज्यादा चीजें कोई नहीं देखना चाहता कि वो कोई एरिया दिखा दो इस तरह नहीं, अगर कोई चीज दिखानी है तो थोड़ा बहुत ना वो रेटों का जो फर्क है ना चीजों का वो दिखा देना, बाकी ज्यादा कोई ऐसा होता ना कि सिक्योरिटी इशू ना कोई हो जाए, कल को कोई आपको तंग ना करे कि आपने भाई पाकिस्तानियों को ये दिखा दिया वो दिखा दिया, बस वो खुद को थोड़ा सेफ रखे ना कि कोई आपके ऊपर कोई कल को उंगली ना उठा सके। नहीं नहीं हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं है, कहाँ के कुछ गलत करना नहीं है तो क्या है इश्यू? हाँ बिल्कुल गलत करना ही नहीं है। हाँ मेरे करियाने की शॉप है मेरे घर पे, आपको करियाने का भाव चाहिए तो मैं भी आपको दे दूंगा दिखा के। चलिए हाँ ठीक है ठीक है, और भी कुछ चीजों के रेट मुझे बताइएगा, आपने तो मुझे हैरान कर दिया कि जो LCD है वो सिर्फ और सिर्फ 10-12 हज़ार की रुपए की मिलती है भाई, मुझे तो आपने हैरान कर दिया एकदम। मेरा मत छूनो, सलीम भाई बेचता है, पूछो 11,000 में LED है कि नहीं है, पूछ लो कितना के, मैं तो कितना 2,00,000 ना अपनी अलग है ना, 32 का कितना कितना रेट बताते हो आप भाई? 32 का नहीं, मेरे पास 55 की, मैंने 1.5 लाख की ली है। हाँ होगी शायद, होगा होगा शायद 55 इंच है नहीं? हाँ सोने का जी का होगा? नहीं नहीं मल्टीनेट है भी, चाइना की है मेरे ख्याल में। 1.5 लाख रुपये दिए, इतना ज्यादा दिए थे? मल्टीनेट है इसका, कंपनी का नाम है। हाँ इधर तो सैमसंग है, सोनी है, LG है, MI का है, सब इतने में तो 30-40 हज़ार में तो 65 इंच का मिल जाता है। उधर तो पता नहीं क्या बात है, सस्ती इतनी चीजें,
यहाँ पर ऐसी चीज ब्रांड की जो सैमसंग की एलजी की बता रहे हैं वो तो 2-2.5 लाख की होनी थी, इतनी बड़ी खाली 700-700 रुपये में। हमारे पास यकीन माने 9.5 से 10 हजार रुपया रेट होगा पंखे का जो कॉपर में होगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। 500 रुपया 500 रुपया कसम से बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। यहाँ पे ये 3-4 हजार रुपए की होगी ये लाइट। हाँ इधर बहुत सस्ता बिकता है, सब बेच भी हम सस्ते में बेचते भी सस्ते में 10,000-8,900 में दाम। ये 32 इंच का व्यक्ति एक कंपनी का, एक 2 साल के गारंटी के साथ। क्या क्या बात है, मैं तभी बोलूं कि वहां पर तो फिर आम मजदूर भी ये चीजें अफोर्ड कर सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पे अदर भी बहुत। हाँ यहाँ पर इस तरह की चीजें मतलब अफोर्ड करना मुश्किल होता है। हाँ ये बात सही है। मेरे घर में जो लाइट वगैरह है इस तरह की है, वो तो भाई होता है ना जर्मनी में बाहर होता है, तो उसने भेजी, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की मिलती भी नहीं है, वो 4-5 दिन चलती है फिर खराब हो जाती है। ये भी है ना दिक्कत चाइना की है, मेड इन चाइना माल ज्यादा आता है इधर। हाँ चाइना माल सब जगह ज्यादा है, इधर भी है, चाइना तो है इधर भी है, लेकिन बहुत सस्ता है। आप क्या सस्ता है, चाइना तो फिर भी चाइना अलग है, दूसरे कंपनियों से सस्ता है दूसरे कंट्रियों से, लेकिन फिर भी काफी महंगा पड़ जाता है। हमारे इधर चाइना का लोग कम लेते हैं, सही कंपनी ज्यादा लेते हैं, इसलिए चाइना का भाव दाम एकदम कम है। आपके यहाँ जो कंपनी का माल है वो हमसे इधर से तो चाइना के माल से सस्ता मिल रहा है वो। हाँ बहुत सस्ता, हमारा इधर बहुत सस्ता। हाँ ये चीज है, मैंने देखा है वहां पर गाड़ियां इतनी कमाल की गाड़ियां मोटरसाइकिल वो कितने सस्ते होते हैं। हाँ अभी बहुत सस्ता है सब, 100 रुपये में 4। अच्छा ये 300 रुपए का मिलता है इधर, 350 रुपये में 2 रुपये में 4 और 1 साल की गारंटी, और 1 साल की गारंटी, और 1 साल की, और 1 साल की गारंटी भी इसमें मिलता है। मेरे पास 50 वाट का है, वो मैंने लिया था कितने का, 1100 रुपए का 50 वाट का। हैं 1100, बहुत महंगी चीज है तो बहुत महंगा सब मिलता है। वही तो होता है ना कि करेंसी का डिफरेंस भी अगर करें तो उससे भी कई गुना महंगा पड़ जाता है। चलो अजान हो रही है अब बंद करते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। और सलीम भाई सलाम अलैकुम, अल्लाह आपको खुश रखे। और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दिल खुश कर दिया आज तो। अजान की आवाज आती है? नहीं अभी इधर तो नहीं सुनाई दे रही, बस टीन में अजान मस्जिद लाउड स्पीकर। अच्छा इधर लाउड स्पीकर है, है? लाउड स्पीकर है उधर तो कई जगह मस्जिद पे, सब मस्जिद पर है लाउड स्पीकर सब। सही ठीक हो गया सर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अजान सुने आप भी, इस तरह फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ मैं व्हाट्सएप नंबर डालता हूँ, आप भी डाल देना इसमें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया शुक्रिया।